नमस्कार, मैं सरोज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सरोज का फैक्ट ज्ञान में। दोस्तों, अब गर्मी का मौसम आ चुका है और जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है हम पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं और पानी पीने के लिए हम अक्सर करके प्लास्टिक के बोतलों का प्रयोग करते हैं। ये एकदम गलत है, कहीं भी प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग ना करें। आप बहुत से आर्टिकल में पढ़े होंगे आप और बहुत जगह भी देखे होंगे, सुने भी होंगे, परंतु फिर भी हम उसका प्रयोग करते ही रहते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इसे एकदम इमीडिएट रिप्लेस कीजिए। आप हो सके तो स्टील के बर्तन बोतल जो आता है या तांबे का जो बोतल आता है उसका प्रयोग कीजिए, वो काफ़ी अच्छा होता है और उसका ही प्रयोग करना चाहिए। परंतु प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग एकदम नहीं करना चाहिए, कहीं से भी ये सही नहीं है। एकदम आज के आज ही उसको रिप्लेस कर दीजिए। थोड़ा बहुत पैसा तो लगता है, परंतु उस वो थोड़ा बहुत पैसा हमारे सेहत के लिए इतना ज़्यादा काम करता है कि हमें उसे कई गुना अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। प्लास्टिक की बोतलों का के बारे में एक रिसर्च में भी ये दावा किया गया है कि 5000 लोग ऐसे लोग जिन पर जो प्लास्टिक की बोतलों में पानी पिया करते थे और 5000 ऐसे लोग जो उन पर पानी नहीं पिया करते थे, दोनों में अलग अलग तरह की समस्याएं देखने को मिली। जो लोग पानी की बोतलों का प्रयोग करते थे उनमें ब्रेस्ट कैंसर से लेके शुगर से लेके सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो ये ऐसा समझा जा रहा है कि ये उन प्रॉब्लम का भी एक कारण है। तो इसका प्रयोग एकदम आज सीखे ही आज बंद कीजिए। प्लास्टिक के बोतलों का प्रयोग हमें कहीं भी नहीं करना है। हम खास करके जहाँ पे काम करते हैं, जो हमारा वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वाले बोतलों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। एकदम गलत है। मैं आपसे एकदम निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया इसको आज ही रिप्लेस कीजिए, हमें उसका प्रयोग नहीं करना है। जहाँ तक संभव हो हम स्टील के बर्तन या तांबे के बोतलों का प्रयोग करेंगे, वो हमारे सेहत के लिए एकदम सही है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत बार हम सब ने सुना है पर हम अप्लाई नहीं करते हैं। बहुत बार हम सब ने सुना है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना है, परंतु हम उसे पीते ही हैं। आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ही हम खड़ा होकर पानी पीते हैं, आपको पता है कि पानी हमारे पेट तक जाने में बहुत ही कम समय लेता है और इसके अंतर्गत वो धीरे 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 हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुँचता जाता है। और जब हम खड़े होकर पीते हैं तो वो एक तुरंत इमिडिएट कोई इफेक्ट नहीं करता, परंतु एक उम्र होने के साथ साथ घुटनों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, ये सारे जॉइंट्स में पेन होना, ये सब इसी का एक रीज़न है। तो इसे भी बंद कीजिए। हम खड़े होकर पानी नहीं पिएंगे और जब भी पानी पिएंगे हमेशा स्टील के बर्तन या तांबे के बर्तनों में ही पिएंगे, तभी होगा हमारा इंडिया स्वस्थ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि ये उपयोगी जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके।